वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब रहते हैं। इस कारण से बुध जल्दी जल्दी अस्त होते हैं। सूर्य जहां सभी ग्रहों में राजा होते हैं, तो वहीं बुध को राजकुमार का दर्जा मिला हुआ है। ग्रहों के राजकुमार बुध एक निश्चित समय के बाद अपना राशि बदलते हैं या फिर वक्रीय मार्गीय और अस्त होते हैं। बुद्धि और वाणी के दाता ग्रह बुध 2 अप्रैल 2024 को मेष राशि में रहते हुए वक्रीय होने जा रहे हैं। बुध के वक्रीय होने की वजह से सभी राशि के जातकों पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं बुध के वक्रीय होने से किन किन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। कौन कौन सी ऐसी राशियां जिन्हें सतर्क रहना है, आप सुन लीजिए। सबसे पहले सतर्क रहने के लिए मेष राशि का नाम आ रहा है। मेष राशि वालों को इस बीच सतर्क रहना है। जी हाँ, बुध आपकी राशि में रहते हुए पहले भाव में वक्रीय होंगे। इस तरह से बुध आपके लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आपको कुछ लापरवाही की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वाले जातकों को थोड़ा सतर्क रहते हुए काम करना होगा, नहीं तो अधिकारियों से उनकी बहसबाजी हो सकती है। ऐसे में आपके जॉब पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपको धन की हानि हो सकती है। कार्यक्षेत्र और घर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको कोई भी काम करने से पहले कई बार अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना होगा। वृषभ राशि। बुध ग्रह आपकी राशि से दूसरे भाव में वक्रीय हो रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को भी सावधान रहना होगा। आपका किसी से वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। करियर में आपको बहुत धैर्य बनाकर काम करना होगा। बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो सकती है। अचानक से खर्च बढ़ जाने की वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तों को लेकर थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध दसवें भाव में वक्रीय हो रहे हैं। ऐसे में इसका असर आपके करियर और कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। नौकरी पेशा वाले जातकों को अपने काम में मन नहीं लगेगा और उदासी का माहौल बना रहेगा। वहीं जो लोग किसी व्यापार से संबंध रखते हैं, उन्हें धन हानि हो सकती है। मेहनत करने के बावजूद आपको उस काम की प्रशंसा नहीं मिलेगी। मन में निराशा का भाव रहेगा। कार्यों में उम्मीद से कम सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से आपका काम बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ेगा। पैसों के लेन देन के मामले में आपको थोड़ा सतर्कता बनानी है, नहीं तो घाटा हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।